हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने जा रहे हैं वर्मी कंपोस्ट पर। जी हाँ दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट पर ये वीडियो आपको इतनी अच्छी जानकारी देने वाला है दोस्तों कि आप ये समझ पाएंगे कि वर्मी कंपोस्ट आखिर हमारे गमले में मिट्टी की बायोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर देता है और परिणामतः दोस्तों उस पौधे की, किसी पर्टिकुलर पौधे की जिसमें डाला गया है, उसकी बॉटनी कैसे दुरुस्त कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि आखिर वर्मी कंपोस्ट ने इतनी लोकप्रियता हासिल कैसे कर ली है इस संदर्भ में कि ये मिट्टी पर, पौधों पर बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों अभी ये आप सामने पैक देख रहे होंगे, इसको हमने ऑनलाइन ट्रेडिंग से लिया और ये हमने कॉम्बो पैक के तहत लिया, जिसमें ये 5 kg का दोस्तों पैक है वर्मी कंपोस्ट का, 4 kg उसमें कंपोस्ट था और 4 kg का दोस्तों कोकोनट वो कोकोपीट था। जी हाँ दोस्तों, और ये सब था केवल 512 रुपए में। ये भी आपको बताना ज़रूरी था कि दोस्तों जब भी आप परचेज करें, आप कॉम्बो पैक प्रेफर करें, उसमें आपको बहुत सारी सस्ते चीज़ें मिल जाएंगी, कई सारी जो आपकी ज़रूरतें हैं प्रोडक्ट्स की वो उसमें कंपाइल हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आज हम लोग ये देखेंगे ये वीडियो कि कैसे वर्मी कंपोस्ट ने इतनी लोकप्रियता हासिल की और ये आपके सामने ही अभी हम इसको खोलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए वर्मी कंपोस्ट को मैंने इसमें से काट करके खाली अनबॉक्स करके निकाल लिया है और ये बिल्कुल दोस्तों लगभग काफ़ी काले रंग की होती है और ये काफ़ी प्रभावशाली है। हम इस वीडियो में पूरा जानकारी पाएंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों कि आगे हम बढ़ें, आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर ढेर सारी जानकारी करने के लिए, गार्डनिंग से संबंधित ढेर सारी जानकारी करने के लिए आप वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के माध्यम से देखें दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं वर्मी कंपोस्ट को कि ये मिट्टी के लिए कैसे वरदान है, मिट्टी की जूलॉजी को कैसे दोस्तों ये एकदम अलग करके रख देता है। दोस्तों यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, यानी जो काम हम लोग पोरस बनाने के लिए करते हैं वो ये अपने आप कर देता है। दोस्तों मिट्टी को भुरभुरा कैसे बनाया जाता है, इसकी और विधि की जानकारी के लिए दोस्तों हमारा एक वीडियो पड़ चुका है, आप उस पर देख सकते हैं। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट दोस्तों सॉयल के पीएच को भी रेगुलेट करता है, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है उसको रेगुलराइज कर देता है। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो दे चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसका स्वभाव है, स्वभाव प्रकृति बस ये नमी मिट्टी में बनाए रखता है। इसको आप टच करेंगे इन दिनों, खासकर जब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है ठीक ठाक, तो दोस्तों ये हल्की सी ठंडी महसूस होगी आपको इसको पकड़ने पर, हाथ में लेने पर। तो दोस्तों ये मिट्टी में स्वभावतः नमी बनाए रखता है। इसके अलावा दोस्तों कह सकते हैं कि सॉयल के टेक्सचर को पूरा चेंज कर देता है दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ फेवरिंग द प्लांट्स ग्रोथ। दोस्तों मिट्टी में फेवरेबल बैक्टीरियाज को ये बढ़ा देता है, कहने का मतलब है ये सॉयल के लिए प्रोबायोटिक्स का काम करता है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप एंटीबायोटिक खाते हैं, हम लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक ये नहीं जान पाता है कि कौन सा फेवरेबल बैक्टीरिया है, कौन सा दुश्मन बैक्टीरिया है, वो सबको मार देता है। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में लैक्टोबैसिलस रहता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रोबायोटिक्स है, यानी जो फेवरेबल बैक्टीरिया है हमारे गट्स के, उनको ऐड कर देता है, मतलब उनको बढ़ाने के लिए अलग से हम लोग भेज देते हैं उसमें एंटीबायोटिक के साथ, कि जितना वो मारेगा उतना हम अलग से सप्लीमेंट कर दे रहे हैं। यही हालत है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट प्रोबायोटिक्स का काम करता है सॉयल के लिए, यानी फेवरेबल बैक्टीरिया को बढ़ा देता है और हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर देता है, उनको सप्रेस भी कर देता है। दोस्तों तो कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर का जो टोटल बायोलॉजिकल फंक्शन है उसको कैटलाइज कर देता है दोस्तों, जिससे मिट्टी मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन की तरफ हो जाती है दोस्तों। तो सॉयल की बायोलॉजी इस तरह पूरी से वो चेंज कर देता है दोस्तों। अब हम ये समझेंगे कि पौधे पर ये फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट काम कैसे करता है दोस्तों।
लेकिन उसके पहले हम बर्मी कंपोस्ट का कंपोजिशन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, बर्मी कंपोस्ट में एनपीके विशेषकर होता है, मतलब ज़्यादा होता है 5:8 और 11 के रेशियो में, 5:8 और 11 के रेशियो में होता है, 5:8:11, यानी जिन पौधों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की ज़रूरत है उनके लिए वरदान है, क्योंकि पोटेशियम और फास्फोरस का रेशियो इसमें बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये इसमें इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों, पौधों के ग्रोथ को एक डायरेक्शन देता है, पौधे की ग्रोथ को रेगुलराइज किए रहता है, यानी पौधे लगातार बढ़ते रहते हैं दोस्तों, अगर हार्मोन लेवल ठीक है। इसके अलावा एंजाइम क्या करता है दोस्तों, एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अगर सर्दी गर्मी का उतार चढ़ाव हुआ तो पौधों पर फर्क नहीं पड़ता है जब हम वर्मी कंपोस्ट का यूज करते रहते हैं। मैंने बताया दोस्तों, क्योंकि इसमें नमी रहती है तो ये जर्मिनेशन प्रोसेस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कराता है। दोस्तों बताना चाहूँगा आगे कि सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइजर आ जा। हाँ दोस्तों, तो बर्मी कंपोस्ट को दोस्तों हम लोग पौधों में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही रूप में दे सकते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे देने का तरीका। दोस्तों, अगर हम सॉलिड में दे रहे हैं तो सॉलिड में देने का तरीका दोस्तों ये होगा कि हमें सॉलिड में देने का तरीका ये होगा दोस्तों कि जैसे मैंने पहले से कर रखा है, ये दो दो ढाई ढाई इंच के आसपास हमने मिट्टी को खुदाई कर ली है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्रिसमस ट्री का प्लांट है, हमने इसको खुदाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बर्मी कंपोस्ट को यहाँ से किनारे किनारे ऐसे लगा देंगे दोस्तों, ये ऐसे जस्ट टू शो यू एज ए सैम्पल हम यहाँ पर रख रहे हैं दोस्तों, ये इस तरह से। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा 10-12 इंच के गमले में दोस्तों एक मुट्ठी काफ़ी है, एक मुट्ठी लगभग कह सकते हैं कि 100, और इस तरह से मिट्टी को हम लोग दोस्तों ढक देंगे और इसके बाद अभी हम इसमें पानी दे देंगे, पानी ज़रूर दे देंगे दोस्तों। तो 100-125 ग्राम लगभग एक मुट्ठी में आ जाता है दोस्तों। इस तरह हम ये कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि लगभग 1 kg में हम लोग 6-7 पौधों में फर्टिलाइज कर सकते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा सॉलिड वे में, सॉलिड वर्मी कंपोस्ट को पौधों को देने का तरीका। लिक्विड कैसे देते हैं दोस्तों, लिक्विड का भी दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका है। हम एक मुट्ठी लें, एक मुट्ठी में लगभग 100-125 ग्राम हो जाता है, एक मुट्ठी लें और उसके बाद हम इसको दोस्तों 1 लीटर पानी में डाल दें, 1 लीटर पानी में डाल दें। उसके बाद हम पौधों में 100-150 ml करके डाल दें छोटे पौधों में। अगर पौधे हमारे बड़े हैं तो दोस्तों बड़े में भी थोड़ा सा हमको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, 150 ml तक डाल सकते हैं। अब इसी तरह जैसे ये पौधा है हमारा, इसमें हमने एक मुट्ठी डाल दिया, लेकिन अगर हमारा बड़ा पौधा होता जैसे बम्बू ट्री है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, हमारा बनियान ट्री है उसमें आपने देखा होगा, तो दोस्तों उसमें हम दो दो मुट्ठी के बराबर देते हैं। दोस्तों, अयोध्या गार्डनिंग चैनल पर बहुत सारी लाभकारी जानकारी गार्डनिंग चैनल से संबंधित मौजूद है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों अपनी गार्डनिंग को एक नया आयाम देने के लिए। ये हुआ दोस्तों हमारा सॉलिड और लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का तरीका। अब दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि इंटरवल क्या हो। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग मंथली बेसिस पे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, और अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो पौधा हमारा रेगुलराइज रहेगा, वो उसको फिर बहुत प्रोडक्टिविटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के वक्त हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये इंटरवल रिड्यूस हो, 2-3 हफ्ते का हो। अगर 2 हफ्ते में भी ना दे पाएँ तो हम लोग 3 हफ्ते में ज़रूर दे दें दोस्तों। तो और इसको हमने दोस्तों बताया जैसे शुरू में ही कि ऑनलाइन परचेज किया, एक अगर आपके पास समझ लीजिए कि 50 गमले हैं तो लगभग 5-6 kg मान सकते हैं हमें आपका पूरा एक बार का
हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आपको वर्मी कंपोस्ट देना हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, जब हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र को गर्मी में हम मैक्सिमम 2 से 3 दिन के अंदर पौधों को सर्व कर दें दोस्तों। मैक्सिमम हो सके तो तुरंत ही कर दें, अगर ना भी कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा स्केल पर देने पर हमें 10 लीटर पानी में बनाना सकता है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि हम 10 लीटर पानी में हो सकता तुरंत न सर्व कर पाए, लेकिन सर्दियों में हम 5-7 दिन तक रख सकते हैं दोस्तों, ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करेगी, काफ़ी हेल्प करने वाली है वर्मी कंपोस्ट के बारे में, उसके पौधों को कैसे लाभ पहुंचाती है, मिट्टी को कैसे लाभ पहुंचाती है, इसका डोज क्या है, इसका लिक्विड कैसे फर्टिलाइज़र कैसे सर्व कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल अपडेट नहीं दे रहा है कि आखिर वर्मी कंपोस्ट हम बनाएं कैसे, दूसरा वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात ज़रूर होगी। तो उम्मीद है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट को लेकर के आपको उनके उसके गुणों की और पौधों के लिए इस ज़रूरत को बहुत काम आने वाली। दोस्तों सब्जियों के पौधे जब भी आप लगाएं, ज़रूर आप इसका इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, पूरे घर के स्वास्थ्य के लिए, घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों वेजिटेबल्स का उत्पादन। थैंक यू दोस्तों।